وعلى ال محمد كما صليت على ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل وسلم على نبينا محمد जी आज का जो लेसन हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 16 उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मशर्किन की तरफ से निशानियों की तलब मश्किन के जो तकाजे थे जो वो डिमांड्स करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसमें एक बात ये भी थी कि वो दुश्मनी के तौर पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाविल्ला डिग्रेड करने के लिए या आपको कम हैसियत शो करने के लिए मुख्तलिफ़ निशानियाँ तलब करते थे और ये काम उन्होंने मुख्तलिफ औकात में कई बार किया कई बार इसके मुतालबे भी किए और ऐसी निशानियां तलब करने के बाद होता क्या था जैसे ये लोग इकट्ठे होते एक बार आता जैसे ये लोग मस्जिद हराम में जमा हुए बाह मशवरा किया रसूल अलैहि वसल्लम को बुला भेजा कि आपकी कौम के अशराफ़ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम बहुत हरीस थे आप शिद्दत दिल से चाहते थे कि ये सब लोग ईमान ले आए तो आप इन इसके लिए इनके पास चले गए उस पर सुरल कहाफ़ में आता है ना कि अगर ये लोग इस बात पर ईमान नहीं लाते तो शायद आप इनकी खातिर अफसोस के मारे अपने आप को हलाक कर डालेंगे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिर्स इनके इस्लाम लाने की इस दर्जे में इस दर्जे में थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप तो ख़ुद को हलाक कर देंगे अब हुआ क्या कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से ट्रैप करना चाहते थे तो जो क्वेश्चंस ये रेज करते थे वो क्वेश्चंस इस वजह से नहीं थे जो डिमांड्स ये मांगते थे उसके पीछे मकसद ये नहीं था कि इनको हिदायत मिले या इनको ईमान मिले असल में पीछे डिजायर ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को हम कम करके दिखाएं वो ये समझते थे कि पैगम्बरों की खासियत है कि वो मोजात ला सकते हैं ख़रक के आदत के तौर पर मोजात लाने की कुदरत रखते हैं ख़रक के आदत कहते हैं आदत से हट कर कुछ अनयूजल कर सकते हैं रसूल अब मवजा जो है जो है वो होता क्या है बेसिकली मुजा ऐसी चीज़ है जो इंसान की अकल को आजिज़ कर दे जिसके आगे फिर कोई ठहर ना सके और ये सब नहीं कर सकते ये सिर्फ अम्बिया से होता है और ये अम्बिया की भी अपनी इसमें कोई कमाल नहीं है ये अल्लाह की तरफ से अता होती है सरजद होता है बाकी जो अलिया अल्लाह हैं उनकी करामात होती हैं याद रखिए और जो करामात हैं उन पर ईमान लाना जरूरी नहीं होता लेकिन मौजाद पर ईमान लाना ज़रूरी है अगर कोई इंसान ईमान नहीं रखता तो फिर उसका ईमान जो है वो उसमें कुछ शुभा हो जाएगा अच्छा जी ये समझते थे कि पैगंबरों की खासियत है कि जब भी उनको मौज़ा लाने को कहा जाएगा वो देर एंड देन उस मौज़े को परफॉर्म करके दिखा देंगे जिस तरह आम लोग अपनी रूटीन के काम करने की कुदरत रखते हैं इसी तरह अम्बिया जो हैं वो भी रूटीन के कामों में मज़ात दिखाते रहते हैं अब इसका फिर उन्होंने हल क्या किया कि उन्होंने मुख्त तरह की आप सोल्म के सामने डिमांड्स रखनी शुरू कर दी जिसका जिक्र हमें कुरान में मिलता है कहीं ये कहते कि आप सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दें कभी ये कहते आप पहाड़ों को यहाँ से एं कहीं और ले जाएं, कभी ये कहते जमीन को तब्दील कर दें नहरें जारी कर दें या कहते कि जो हमारे आबाओ अजदाद गुजर चुके हैं इनको जिंदा कर दें फिर जैसे सुरल इसलाह में आता है कि ये कहते थे कि हम आप पर हरगज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दें मक्का में पानी की कमी थी ना या आपके लिए खजूर और अंगूर का बाग़ हो यह भी मक्का में नहीं मिलता था या आप जिसके के दरमियान आप नहरें बहा दें या जैसा कि आप कहते हैं हमारे ऊपर आसमान टुकड़े टुकड़े करके आप गिरा दें या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने हाज़िर कर दें अब इस तरह की बातें करते थे ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को कम करने के लिए या हमारे ऊपर आसमान गिरा दें या अल्लाह और फरिश्ते हमारे सामने आए हमसे बात करें डायरेक्ट ज़ीनत या सोने का घर हो या आसमान पर चढ़ जाए और मैं हम महज़ आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे यहाँ तक कि आप हम पर एक किताब उतारें जिसको हम पढ़ें यानी रिटर्न फॉर्म में जैसे आज, आज आप आप और मैं कुरान पढ़ते हैं इस तरह की रिटर्न फॉर्म में एक बुक आए अब देखिए कि ये किताब उस दौर में तो मौजूद नहीं थी वही आती थी और थोड़ा बहुत जो होता था इनके पास मटीरियल इस उसको नोट डाउन कर लिया जाता था सहाबा भी याद करते थे अल्लाह के रसूल सल वसलम भी उसको याद करते थे अब ये इनकी डिमांड्स आनी शुरू हो गई उन्होंने इस मुतालबे के साथ ये भी वाज़ किया कि अगर रसूल सल वसम इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दें तो वो इस्लाम लाने को तैयार हैं। अब ये जो इस्लाम था ना ये कंडीशनल हो गया इनका ईमान लाना इन मौजात के साथ जुड़ गया कि ये मौजात पूरे होंगे तो हम ईमान लाएंगे सुर अल अनयाम में अल्लाह सुबह तला फरमाते हैं वक्सम बिल्ला जह दईमान हिम ल इंजाअ हम आयत अमिन बिहा उन्होंने अपनी भरपूर कस्मों के साथ अल्लाह की ये कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ गई तो वो ज़रूर ईमान ले आएंगे अब ये भी होता है ना कि अब यहां पर ये ईमान लाने के लिए कस्बे खा रहे थे कि आप ये निशानियां पूरी कर दें हम ही मान ले आएंगे आज भी आप देखिए ये होता है कि जब हम बैठे हो और हमें किसी को पता चले ना कि आप थोड़ा बहुत दीन पढ़ पढ़ा रहे हैं तो वो आपसे स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं और अमूमन जुमले का आगाज़ कहाँ से होता है कि मेरे मेरे भी बहुत से सवालत हैं मेरे अंदर भी बड़ी कन्फ्यूजनस हैं और आज तक मेरे तो क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं कर सका मुझे तो कभी कोई सेटिसफाइड ही नहीं कर सका और इसके पीछे मकसद क्या होता है सबसे पहले कि आप अगर दीन पढ़ रहे हैं तो आपको नीचा दिखाना और ये बताना कि मेरी सोच बहुत ऊंची है मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ या मैं बहुत बारीकी में सोचता हूँ और ये सवाल ऐसे लोग हिदायत के लिए नहीं कर रहे होते बल्कि आपको हराने के लिए और ख़ुद को प्रूफ करने के लिए कर रहे होते हैं अब देखिए कुरान जो है ना ये आम किताब नहीं है कुरान तो इट्स सेल्फ मुआवजा था देर एंड आयात आ रही थी और कुरान तो हमें बहुत ही बारीकियों के साथ डील करने की तर, तरीका सिखाता है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ इस तरह हम ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं जब आप कुरान पढ़ लेते हैं आप देखिए यहां पर भी पूरी की पूरी कुरैश की साइकोलॉजी अल्लाह सुबहन ताला ने खोल के बयान कर दी कि ये नहीं मानेंगे इसके पीछे जो तलब है ना वो तलब क्या थी कि हम बड़े बन जाएं क्योंकि इनको पता था कि नबी नहीं कर सकते ऐसा और अगर कर देते तो इन्होंने कहना था ये जादू है जो कि हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ये जो तलब कर रहे हैं ये क्योंकि आप को हिर्ज थी ना कि ये सब ईमान ले आए तो आपने दुआ की कि जो ये तलब कर रहे हैं अल्लाह सुलन इनको दिखा दें और फिर उससे रिजल्ट हो ये होगा ये मुसलमान हो जाएंगे इस पर जब्राई वसलम आते हैं और आपको ये इख्तियार देते हैं कि अच्छा ठीक है हम आपको दो बातें बताते हैं आप इनमें से एक को चूज़ कर रहे हैं जो कुछ ये लोग तलब कर रहे हैं इनको दिखा दिया जाएगा यानी ये सारी सोने का पहाड़ बन जाएंगे खजूर अंगूर के बाग आ जाएंगे चश्मे जारी हो जाएंगे सारी डिमांड्स हम पूरी कर देंगे लेकिन अगर इस शर्त के बाद इनकी डिमांड्स पूरी होने के बाद अगर किसी ने कुफ्र किया तो उसको अजाब दिया जाएगा पूरी दुनिया वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं हुआ होगा फिर जो अहले मक्का को दिया जाएगा या दूसरा रास्ता हजरत जिब्राइल ने क्या रखा कि इनके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाए अब हुआ क्या था रसूल अलैहि वसल्लम ने फौरन रहमत का दरवाज़ा और तौबा और रहमत का दरवाज़ा पसंद किया कि वही खोला जाए नहीं ये डिमांड्स और मज़े नहीं चाहिए क्योंकि अगर इसके बाद ये नहीं माने फिर इनकी खैर नहीं क्यों क्योंकि इससे पहली कौमों के साथ ही हो चुका था कौम साले सामने थी कौम साले ने भी तो वो ऊँटनी का मुतालबा किया था और वह मुतालबा जब पूरा हुआ था तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या हुआ था ये लोग नहीं माने थे और जब ये नहीं माने थे इन्होंने ऊँटनी को हलाक किया था तो किस तरह हिला के मार दिए गए थे दुनिया से ख़त्म कर दिए गए थे मिटा दिए गए थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्हस चूँकि आलमीन थे आपने क्या चूज़ किया अपनी उम्मत के लिए तोबा और रहमत का दरवाज़ा खोला जाए इनको फ़ार के लिए भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चॉइस कर ली ये इख्तियार किया तो इनकी तजावीज़ का अब जवाब नाजिल हुआ अब इनकी जो डिमांड्स थी उनका जवाब क्या आता है कुल सुबहाना रबी हलकुंत इल्ला बशर रसूला कह दीजिए आप कह दें मेरा रब पाक है वो कमजोरियों से पाक है वो ऐब से पाक है वो हर तरह से ताकतवर है वो ये तमाम मौजे लाने की ताकत और कुदरत रखता है, हैसियत रखता है मगर मैं तो इसके सिवा कुछ भी नहीं कि एक बशर रसूल हूँ इस कदर खूबसूरत आयत है और यहाँ पर नबी करीम अलैहि वसल्लम से यह कहलवाया जा रहा है कि मेरा रब पाक है अल्टीमेट पावर अल्टीमेट इल्म अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला की है मैं तो एक रसूल हूँ फरिश्ता भी नहीं हूँ एक बशर हूँ और रसूल हूँ तो यहाँ पर रसूल के साथ कमजोरियों को जोड़ के बताया गया कि रसूल को रसूल क्या चीज़ बनाती है एक आम इंसान को रसूल क्या बनाता है अल्लाह का दिया हुआ इल्म, अल्लाह की दी हुई किताब अल्लाह की दी हुई शरीयत, वरना तो वो एक आम आदमी है वो तो चुना जाता है अल्लाह की तरफ़ से उसका तो चुने जाने पर भी इख्तियार नहीं तो यहाँ पर सीखने की बात क्या है फिर हमारे लिए क्या सीखने की बात है इस आयत में और इस सारी बात में कि देखिए हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना अपनी ज़ात से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़ा नहीं ला सके थे तो कहीं ये नहीं मिलता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हो रहे हों या आप अलैहि वसल्लम कह रहे हो कि नहीं अब ये मेरी तो मेरी तो कहीं इज़्ज़त नहीं रहेगी आप जब जब आप या हम में से कोई किसी बात को आप किसी को बताएं और दूसरा ना माने तो हमारा रवैया क्या होता है हम पर्सनल हो जाते हैं हमारी बुरा बड़ा, बड़ाई को चैलेंज कर दिया जाए तो फिर हमें दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए उल्टे सीधे झूठ बनाकर या दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई ना कोई जवाब देना ही पड़ता है उस वक्त फिर हम अपनी आर्जी का इजहार नहीं करते हम ये नहीं कहते भाई भाई मेरा तो इल्म इतना सही है मैंने तो अभी इतना ही पढ़ा है मुझे इतना ही आता है अगर इमाम मालिक मदीना में रहने वाले इमाम मालिक क्या उनकी शान थी मस्जिद नबवी में दर्श देते हैं और उनके बारे में मशहूर क्या था हर जगह पर कि इनके पास हर सवाल का जवाब है और मोरक्को से कोई एक शख़्स चल के आता है इतना लंबा सफ़र करके और उसको ये एक इम्प्रेशन है कि इमाम मालिक के पास हर एक के हर सवाल का जवाब है इतने बड़े इमाम कहाँ बैठे हुए हैं कहाँ बैठ के दर्श देते हैं कहाँ हल्का लगा रहे हैं लेकिन जब वो शख्स आता है हजरत इमाम मालिक के सामने बैठता है अपना क्वेश्चन रखता है इमाम मालिक जवाब कह देते हैं ला अदरी मैं नहीं जानता अब वो शख्स हैरान होता है फिर दूसरा क्वेश्चन रखता है इमाम मालिक कहते हैं ला अदरी मैं इसका जवाब भी नहीं जानता तो उसने कहा कि मैं तो इतनी दूर से आया हूँ मैं वापस जाकर क्या जवाब दूंगा कि इमाम मालिक ने मुझे क्या जवाब दिया तो इमाम मालिक ने कहा कि उनको जाके कहना कि मालिक कहता है ला अदरी मालिक ने कहा मुझे नहीं पता अब जरा इमाम मालिक के इल्म को सामने रखिए फिर अपने इल्म के साथ कंपैरिजन करें तो क्या इमाम मालिक कोई मोज़ज़ शख्सियत नहीं थे आलिमों के आलिम थे लेकिन उनका उनका एटीट्यूड क्या है जहाँ नहीं आता वहाँ ही इंसान कमज़ोर पढ़ के अपनी कमज़ोरी को तस्लीम करे हम तो अपनी बेइज्जती के खौफ़ से बाहर नहीं आते हमें क्या लगता है अच्छा मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी मुझे तो कोई आ, कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा तो याद रखिए इस खौफ को उतार फेंकें लोगों के फ़ायदे के बन जाए अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है आपको नहीं आता और आप कहते हैं कि मैं आपको पूछ कर तो उस सोचिए उस पूछ कर बताने में आप कितना सीख रहे हैं आपने मेहनत की आपने कोशिश की फिर आपने जवाब सीख कर उसको बताया तो आप इम्प्रूव कर रहे हैं वो जैसे एक आता है ना कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर ना हो यानी जो अपने दीन में अपनी नॉलेज में रोज़ ग्रो नहीं कर रहा इम्प्रूव नहीं कर रहा उसके लिए तो हलाकत है हमारे पास आप देखिए एक छोटी सी मिसाल से इसको समझिए आपने कहीं छोटी सी जगह पर पानी इकट्ठा किया हो ना वो पानी बहुत अरसा पड़ा रहे ना उस जगह पर तो क्या होता है वो पानी बेशक कितना ही फ्रेश और प्योर वाटर हो कुछ अरसा पड़ा रहेगा तो वो उसमें काई लग जाएगी इसी तरह इंसान है उनका इल्म है अगर वो इल्म एक ही जगह पे आप उसको रख रहे हैं और आप उसको फैला नहीं रहे तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा खा वो इंडिविजुअल हो खो लेवल पर हो वो डाउनफॉल हो जाएगा बात ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ सीखने की बात क्या है अल्लाह के रसूल से कहवाया जा रहा है कि देखो मैं ये नहीं कर सकता मैं इस पर कुदरत नहीं रखता और यहाँ पर चूँकि ये लोग मानते थे और इस बात पे इनको लगता था कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम की रूटीन है तो यहाँ कहा गया मैं बेहस बेह, तुम जैसा बशर हूँ लिहाजा मुझसे इन मोजात मुझ के लाने की ना मेरे में कुदरत है और ना मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ मेरे पास वही आती है और तुम लोग ना रसूल हो ना तुम्हारे पास वही आती है बस जो निशानियाँ तुम लोग मुझसे तलब की हैं वो मेरे हाथ में नहीं मेरा इख्तियार नहीं बल्कि इनका मामला अल्लाह वजल की तरफ है अगर वो चाहे तो इन्हें तुम्हारे लिए जाहिर कर दे और इनके ज़रिए तुम्हारे दरमियान मुझे पावरफुल कर दे मेरी तइद कर दे और अगर चाहे तो इनको डिले कर दे और तुम लोगों की बेहतरीन मसलहत बाहर हाल इसी में है और इसी के लिए अल्ला ने आगे इसी मतलब की सुलल अनम में भी तइद फरमा दी ताक़ की कुल इन मल आया कह दीजिए निशानियां तो बस अल्लाह के पास हैं और बहुत से लोग आज के दौर में वो साइंस को जहन में रखते हैं और साइंस से जो बहुत ज़्यादा मरऊब हैं और सबसे बड़ी बदकस्मती तो हमारी ये है कि इसमें बहुत से मुसलमान भी शामिल हैं वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ तो कह दिया गया कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास है तो रसूल अल्लाह सल वसलम के पास कोई मुझादा ही नहीं थे तो ये बात भी एक अलग एक्स्ट्रीम है तो ये भी दुरुस्त नहीं है और यहाँ पे ये कहा गया वमा अन्नहा युशाय अतला और ये निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं और तुम्हें क्या ख़बर कि जब वो आ जाए तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे यानी अम्बिया और रसुल जो भी आदत से हट के काम करते हैं मोजाद बरपा करते हैं वो खुद नहीं करते बल्कि इन्हें बरपा अल्लाह करता है अलबत् वो रसूल की और अम्बिया की तइद के लिए उनकी सपोर्ट के लिए उनके प्रूफ के लिए उनकी मदद के लिए वो मुजात अता फरमाता है अब यहाँ पर ये लोग बार बार मुजात करते थे कि हम पे फरिश्ते उतारें मुर्दे हमसे बातें करें कुरान अगर कोई कुरान ऐसा हो जिससे पहाड़ चला दिए जाए, मुर्दे कलाम करें ज़मीनें फट जाएँ तो इस तरह की जब ये डिमांड्स कर रहे थे तो फिर एक निशानी इनको दिखाई गई और वो थी शक्ल कमर की चांद जब दो टुकड़े हुआ जब कुरैश ने देखा कि रसुल्लाम ने इनकी तलब करता मखसूस निशानियों में से कोई भी निशानी पेश नहीं की तो उन्होंने समझा कि आपको आजिज और खामोश करा देने का बेहतरीन तरीका यह किसी पर जोर दे के रखें यानी बार बार आपसे मोजात मांगते जाए और आपको बार बार जो है वो हम डिग्रेड करें और आपको बार बार हम परेशान करके रखें कि हमें फ़ला तरह का मौज़ा चाहिए या हमें इस तरह की बात हमारे साथ कर दें अब जब इन्होंने इस पर बहुत जोर पकड़ा इससे आवाम को भी बावर कराया तो आप वसल्लम रसूल नहीं हैं बल्कि कोई जादूगर हैं काहिन हैं चुनाचे उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया और तय किया कि आपसे बिला तयन कोई भी निशानी की तलब की जाए यानी पहले तो पर्टिकुलरली कह रहे थे कि ये ये निशानी दिखाएँ लेकिन अब कह रहे थे एनी कुछ भी दिखा दें ताकि लोगों पर आपकी बेबसी वाजे हो जाए और वो आप पर ईमान ना लाएं। चुनाचे वो लोग आपके पास आए और कहा कोई भी निशानी है जिसे हम जान सकें कि आप अल्लाह के रसूल हैं इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वाल सम ने अपने रब से सवाल किया कि इन्हें कुछ भी दिखा दें चुनाच अल्लाह सुबहान तला ने यह निशानी दिखाई कि चाँद फट दो टुकड़े हो गया एक टुकड़ा जबले अबू अबैस के ऊपर ये जबले अबू अबैस आप जानते हैं कौन सा है जहाँ पर आजकल वो महल्लात हैं आ, बादशाहों के जैसे आप जब सही करते हैं और सही करके आप जिस दरवाजे से बाहर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर ये पहाड़ आता है और दूसरा टुकड़ा जो है वो आ, इस तरह उसके नीचे और एक यहाँ तक कि लोगों ने हरा पहाड़ को दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा यानी उफक पर एक ऐसा सीन उभरा उभरा कि चाँद दो टुकड़े हो गया रसूल्ला वसलम ने फरमाया गवाह रहो क्रैश ने ये निशानी खुल्लम खुल्ला वाज तौर पर तवील दौरानिए के लिए देखी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई फ्लैश हो गया था तो इस चुनाचे इनके हाथों के तोते उड़ गए हैरान रह गए लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए वही बात जो पीछे की गई थी रसूल्ला सल्ला वसलम ने फिर सही डिसीजन लिया था ना इनके लिए कहने लगे ये अबू कपशा के बेटे का जादू है यानी हम पर तो मोहम्मद ने जादू कर दिया अब वही बात है कि नहीं मानना था अच्छा इनमें से एक आदमी कहने लगा अगर इसने तुम पर जादू कर दिया तो सारे लोगों पर नहीं कर सकता यानी हम इर्द गिर्द हैं हम पर तो जादू किया है चलो मुसाफिरों का इंतज़ार करो मुसाफिर आए इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा हाँ हमने भी देखा है यानी रास्ते में हमने देखा चांद को दो टुकड़े हुए हुए लेकिन कुरैश अपने कुफर पर ही जमे रहे अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और ये गालिबा शक् कमर का ये वाक़ इससे भी बड़े और अहम वाक़ मराज की तमहीद था यानी आहिस्ता आहिस्ता उन कुफार मक् को अब बड़ा मोजा दिखाने के लिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि खुली आँखों के साथ चाँद को फटा देख लेने से यह भी हो गया था असरा और मराज का इम्कान भी आम जहन के लिए काबिल कबूल हो सकता था वल्लाहु आलम यानी अब आहिस्ता आहिस्ता अगले मोजे के लिए तैयार किया जा रहा था और इसके बाद आता है असरा और मराज देखिए यह सब अम्बिया को क्यों दिखाया गया आप को आसमानों पर जा जाकर अभी हम पढ़ेंगे बहुत सी चीज़ें क्यों दिखाई गई यकीन के लिए आप जानते हैं यकीन क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जगह आप चलिए सोचिए कि कुछ जगह ऐसी होती हैं आपने सुना होता है अच्छा हिल स्टेशन के बारे में अगर आपने सुना हो कि वहाँ ऐसे पहाड़ होते हैं वहाँ मौसम बड़ा खूबसूरत होता है वहीं वहाँ यूँ बारिश आ जाती है कोई अपना सफ़रनामा जब बयान करता है ना तो आप सुनते हैं तो आप अपने जहन में एक पूरा एक ख्याल बना लेते हैं लेकिन आप उसको असल में आपको यकीन कब होता है उसकी सब बातों का जब आप खुद वहाँ जाते हैं तो ये यकीन के लिए दिया जाता है क्योंकि नबी इंसानियत होता है उसने इंसानियत को सिखाना होता है और उसका जो इल्म होता है उसका सबसे ज़्यादा पुख्ता होना ज़रूरी है तो अल्लाह की सुन्नत है कि वो जो भी टीचर जो भी रसूल मुकरर करता है तो अपने बंदों के लिए उसको पूरा और बहुत ही स्ट्रांग देता है ऐसा मज़बूत इल्म देता है और वो मजबूती इल्म की एक्सपीरियंस के बगैर नहीं आ सकती आपने साइंस जिनमें जिन, जिन में से आप लोगों ने में से साइंस जिसने पढ़ी होगी आपने देखा होगा कि जब हम साइंस uh, पढ़ते हैं तो उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होता है जब हम उनके कोई ना कोई इम्पॉटेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उनके साथ उनके प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं उन प्रैक्टिकल्स का मकसद क्या होता है कि आपके सामने जब वो प्रैक्टिकल होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं तो यकीन जब होता है ना इंसान को तो सारे अमल मुमकिन हो जाते हैं सबसे ज़्यादा इंसान को एतकाद यकीन से आता है तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं तो यहाँ हुए थे एक सफ़र जो मक्का से आप लाया गया था आ, मक्तस और दूसरा सफ़र जो हुआ था वो कौन सा था जो आ, मेराज का सफ़र था जिससे मुराद है फलसतीन से बैतुलमकदस से आपको आलम बाला यानी आसमानों पर ले जाना और ये भी याद रखिए बहुत से लोग इस बात के ही इनकारी हैं कि ये सफ़र जो है ये आप ने फ़िज़िकली किया था लोग अक्सर ये भी सुनने मिल मिलेंगे आपको कि ये ख़्वाब था अभी हम पढ़ेंगे अगर ये ख़्वाब था तो मुखालफ को आपने क्यों बयान किया और अगर आपने बयान कर भी दिया मुखालफ को ख़्वाब तो मुखालफन ने मुखालफत क्यों की आपसे क्यों पूछा फ़लस्तीन कैसा है वो तो खुल्लम खुल्ला खड़े होकर आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे थे तो यहाँ पर यह भी याद रखिए और ये भी हमारे एतकाद और ईमान का हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मराज करवाया गया वो जिस्म और रूह के साथ था जिस्म और रूह के मिलने से ही अब्द बनता है बंदा और कुरान में इसरा का जिक्र कुरान के अंदर हमें मिलता है अल्लाह सुबह ताल बनी इसराइल इसरा में पंद्रहवें पारे की पहली सूरत है फरमाते हैं सुबहानल असरा बबदी ही पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को लईिलमस्जिदरामी अलल मस्जिद, मस्जिद अक्सा अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया उसकी सैर करवाई और फिर आगे फरमाया कि ऐसी मस्जिद थी वो अल्लि बारकना हवलहू वो चीज़ जिसको हमने बरकत दे रखी है और कौन सी जगह है बरकत वाली मस्जिद हराम इसी तरह मस्जिद अक्सा भी ताकि हम इस अपनी निशानियाँ दिखाएँ तो ये वजह है कि हम सब मुसलमान भी फ़लस्तन से मोहब्बत रखते हैं मस्जिद अक्सा से मोहब्बत रखते हैं और फरमाया ताकि हम उसे अपनी निशानियाँ दिखाएँ अब ये निशानियाँ क्या थी इसमें बहुत सारी सीखने की बातें हैं और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाक़ात में से है ये तारीख़ के और ईमान वालों का ईमान बढ़ाने में बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा करता है वाक़ तो अब ये वाक़ असरा और मराज क्या था हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अनहु से रिवायत है वो कहते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास बुरख लाया गया अब ये बुराख क्या था वो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा सफ़ेद रंग का लंबा जानवर था वो अपना कदम वहाँ रखता जहाँ तक उसकी निगाह जाती थी यानी एक पाँव अगर उसका यहाँ है तो दूसरा पाँव कहाँ होता जहाँ तक उसकी निगाह देख सकती थी यानी इतना लंबा स्टेप लेता था वो मैं उस पर सवार हुआ और चल पड़ा हती के बैतुलमकदस में पहुंच गया मैंने उसको उस कड़े के साथ बांध दिया जिसके साथ दूसरे अम्बिया भी बांधते थे यानी वो जो हुक होता है ना घोड़ों को बांधने वाला तो उस कड़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक को बांध दिया जिसके साथ दूसरे अम्बिया भी बांधते थे फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और दो रकत नमाज पढ़ी तो याद रखिए दो रकत नमाज ये मस्जिद का हक है आप जब भी कहीं मस्जिद में जाएं किसी मस्जिद में जाएं पहले कोशिश करें कि वहाँ पर दो रकत तहैतलमस्जिद पढें तो यहाँ पर आप सल्हम ने मकदस में दो रकत नमाज पढ़ी फिर आप कहते हैं फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ से निकला तो हज़रत ज़ब्राइल आसमाम शराब का और दूध का एक एक बर्तन लाए मैंने दूध का इंतब किया ज़िब्राईल ने कहा आपने फितरत को पसंद किया है यानि अगर आप इसको ना पसंद करते तो आपकी उम्म गुमराह हो जाती फिर हमें आसमान की तरफ उठाया गया जब हम वहाँ पहुँचे तो ज़ब्राइल ने दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया कहा गया कौन है उसने कहा ज़िब्राइल हूँ फिर कहा गया तेरे साथ कौन है उसने कहा मोहम्मद अब आप इसको सब को इमेजन करते जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफ़र पे हैं और जिब्राइल के साथ हैं उसने कहा मोहम्मद सल्ला वसल्लम है कहा गया क्या इन्हें बुलाया गया है अब ये देखिए कि वहाँ जो आसमानों पर दारोह हैं या जो आसमानों पर फरिश्ते एज़ अ गार्डस मुतन हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और जबराईल का तो रोज़ आना आना जाना होगा लेकिन जबराईल के लिए भी डोर ओपन नहीं किया जा रहा बल्कि पूछा जा रहा है कि कौन आ रहा है आपके साथ कौन है क्या बुलवाए गए हैं उसने कहा जी हाँ इन्हें बुलाया गया है फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया मैंने हज़रत आदम को देखा उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए दुआ की और हज़रत आदम के बारे में आता है कि वहाँ पर हज़रत आदम से जब रसूल साल वसलम की मुलाकात हुई जब उनको वहाँ पर देखा इन्हें सलाम किया और इन्होंने आपको मरहबा कहा सलाम का जवाब दिया और आप अलैहि वसल्लम की नबूत का इकरार किया अल्लाह ने आपको इनके दाएं दाएँ सादत मंदों की रूहें और बाएं जानब बदबख्तों की रूहें दिखाई हज़रत जिब्राइल हज़रत आदम के बारे में आता है कि जब वो अपने दाएँ देखते तो खुश हो जाते यानी वो बच्चे जैसे इंसान इन, अपने सादतमंद और नेक बच्चों को देखता तो कैसे उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और इसी तरह अपनी उस औलाद को देखता है जो उनकी बात ना मानती हो और तकलीफ़ देती हो तो कैसे इंसान परेशान होता है तो हज़रत आदम ने जब उनको देखते थे दाएं जानब तो खुश हो जाते थे बाएं जानब बदब्त रूहें देखते थे तो दुखी होते थे फिर आप अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया अब यहाँ दूसरे आसमान की तरफ जब उठाया गया तो फिर यहाँ पर भी जब्राइल ने दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया पूछा गया कौन है उसने कहा जब्राइल हूँ फरिश्तों ने पूछा आपके साथ कौन है उसने कहा मोहम्मद अलैहि वसल्लम हैं फरिश्तों ने कहा क्या इन्हें बुलाया गया है जब्राइल ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया मैंने खालाजाद ईसा इबन मरियम और याहिया बिन जकरिया को देखा ये दोनों खालाजाद भाई हैं ना हज़रत ईसा और हज़रत याहिया। अब दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहिया जो हैं हज़रत जकरिया के बेटे उनको दिखाया गया उनसे आप की मुलाक़ात हुई और सलाम किया दोनों ने सलाम का जवाब दिया मुबारकबाद दी कि आप आए हैं और आपको मुबारक हो और आपकी नबूत का इकरार किया अब यहाँ अम्बिया भी नबूत का इकरार कर रहे हैं और फिर मरहबा कहा और मेरे लिए खैर और भलाई की दुआ की आप देखिए ये कैसे लोग थे जो अल्लाह ने चुने ये तमाम अम्बिया को देखिए हम में से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाता तो हम तो जलसी और हसद से हमारा हाल बुरा हो जाता है और यहाँ हज़रत आदम तो चले वालद हैं लेकिन उसके बाद हज़रत ईसा हज़रत याहिया अम्बिया हैं ना लेकिन किस तरह ओपन आर्म्स के साथ रसूल अल्लाह सल वाले को कर रहे हैं के साथ और भलाई की कर। फिर रसूल ने बताया कि हमें तीसरे के तरफ उठाया गया ज़िब्राइल दरवाजा खोलने का ज़िब्राइल ने दरवाजा खोलने का मुतालबा किया फरिश्तों ने पूछा कौन है उसने कहा ज़िब्राइल फरिश्तों ने पूछा आपके साथ कौन है उसने कहा मोहम्मद पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है जिब्राइल ने कहा जी हाँ इन्हें बुलाया गया है सो हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा इनकी खूबसूरती से मालूम होता था कि निसफ़ हुस्न उनको अता किया गया है उन्होंने भी मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआ खैर की फिर चौथे आसमान की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया गया फिर वही सारा जो सवाल और जवाब थे उनको रिपीट किया गया और फिर उसके बाद रसूल अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ का दरवाज़ा खोला गया वहाँ हज़रत इजरीसम को देखा उन्होंने भी मुझे मरहबा कहा मेरे लिए ख़ैर और भलाई की दुआ की तो इससे सीखने की बात क्या है कि दूसरे के लिए खैर और भलाई की दुआएं देते रहना वॉम वेलकम करना ख़ुशी से दूसरे को कम्फ़र्टेबल करना ये अम्बिया की सुन्नत है अल्लाह सुबहान ताली ने फरमाया और हमने हदरीस का मकाम मरतबा बुलंद किया यानी उनको चौथे आसमान पर जगह मिली फिर हमें पाँचवें आसमान की तरफ उठाया गया वहाँ पर भी उसी तरह क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और फिर वहाँ पर जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ हज़रत हारून स्लम को रसूल अल्ला वसलम ने देखा उन्होंने मुझे खुश कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की फिर हमें छठे आसमान की तरफ उठाया गया छठे आसमान पर दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया गया कहा गया कौन है उसने कहा जब्राइल हूँ फिर पूछा गया तेरे साथ कौन है उसने कहा मोहम्मद सल्हसम है फिर पूछा गया इनको बुलाया गया है उसने कहा हाँ तो बस हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया वहाँ मैंने हज़रत मूसीम को देखा उन्होंने मुझे मरहबा कहा मेरे लिए दुआएँ खैर की फिर हमें सातवें आसमान की तरफ उठाया गया और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया पूछा गया कौन इसने कहा मैं जबरीन हूँ फिर वही क्वेश्चन आंसर्स हुए फिर दरवाज़ा खोल दिया गया मैंने हज़रत इब्राहिम को देखा अब ये कौन है हज़रत इब्राहीम सातवें आसमान पर और वो कैसे हैं वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए थे और बैत मामूर की कैफियत ये है कि हर रोज़ अब ये बैत मामूर जहाँ आपका दुनिया में काबा है ऊपर आसमान पर फरिश्तों का काबा है और फिर वहाँ उसके लिए आता है कि बैत मामूर क्या है कि हर रोज़ इसमें सत्तर हज़ार फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती सुबहान अल्लाह आप देखिए कितनी बड़ी मखलूक है ना अल्लाह सुबहान की और हमें क्या लगता है कि अगर आज हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ेगा आज हम सजदा नहीं करेंगे तो अल्लाह को कोई फ़र्क़ पड़ेगा वो हदीस में आता है ना कि जैसे एक आता है कि जिसके पास तोफ़ीक हो और उस पर पाँच साल गुजर जाए वो मेरी तरफ ना आए ये उम्र के लिए आता है तो वो महरूम है तो आज हमें आरे, हमारे पास तो ऐसा मौका हमारे लिए तो ऐसी मुश्किलें हार्ड फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस एक दफ़ा आपने तवाफ़ कर लिया काबा का उसके बाद आप कभी आ ही नहीं सकते एक दफ़ा हम जाते हैं बार बार पलटने को दिल करता है बार बार हम जाते हैं अल्लाह सुबहन तला ने तो इतनी आसानियाँ दी हुई हैं और ये अल्लाह की ऐसी मखलूक जो हर वक्त अल्लाह के सजूद में रहती है हर वक्त अल्लाह की तस्वीर करती है इनकी ख़ुराक अल्लाह की तस्वीर है और इनके लिए एक ही मौका तो कैसे ये इंतज़ार करते होंगे और कैसे जब इनको मौका मिलता होगा किस तरह दीवाना तवाफ करते होंगे तो यहाँ पर आता है कि उसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर दोबारा इनकी बारी नहीं आती फिर हजरत जब्राइल मुझे मुंतहा के पास ले गए अब ये दरख्त है उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे उसका फल मटकों की मानन था यानी ह्यूज पत्ते और ह्यूज फ्रूट फिर जब अल्लाह सुबह तला के हुक्म से किसी चीज़ से इसे ढांका गया तो इसकी कैफियत यूं बदल गई कि खल के खुदा में कोई भी उसका हुसन बयान नहीं कर सकता था ये सिलसिलातुलसी की हदीस है फिर अल्लाह ताला ने मेरी तरफ़ वही की और हर दिन रात में पचास नमाजें फ़र्ज़ की। अच्छा एक और थोड़ी सी चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जब मुंतहा के पास आप वसल्लम ने हजरत अलैहि सलाम को भी उनकी असल हालत में देखा था अब ये हज़रत जब्राईल जो हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि इनका थोड़ा सा अगर हम हुलिया और इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लें हज़रत जब्राइल को असल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मुंतहा के पास जब्राइल को देखा इनके छः सौ पर थे जिनसे मोती और याकूत झड़ रहे थे और हज़रत जब्राइल की, की अज़मत आप देखिए इबन मसूद रज़ी अल्लाह तआला तैन से मरवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैंने मुंतहा के मकाम पर जब्राइल को देखा इनके छः सौ पर थे रावी आसिम जो हैं उनसे वजाहत मालूम की तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया इसके किसी दूसरे शागिर्द ने बताया कि एक पर मशरक़ और मग़रब के दरमिया फासले को पुर कर देता है यानी इतना फ़ासला ईस्ट और वेस्ट का जो बीच का हिस्सा है वो पुर हो जाता है और फिर एक और इबन मसूद ही की रवायत में मरवी है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ब्राइल को एक बारीक रेशमी हुल्ले में देखा उन्होंने आसमान और ज़मीन के तमाम हिस्से को पुर कर रखा था और फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद ही की रवायत में मज़ीद आगे ये भी आता है कि ज़ब्राइल को जब आप ने देखा गोया वो रेशमी लिबास पहने हुए थे इनके पाओं मोतियों की तरह थे जैसे सब्ज़े पर बारिश के कतरे होते हैं सुबह अल्लाह रज जाब रज़ी तनों की जो रिवायत है उसमें आता है कि रसूल अल्लाह वसलम ने फरमाया मैंने इस रा वाली रात फरिश्तों के पास से जब मैं गुजरा और हज़रत जब्राइल आसमाम अल्लाह ताला की खशियत की वजह से बोसीदा टाट की तरह लग रहे थे अल्लाह अकबर इतना बड़ा फरिश्ता तो आप सोचिए कि जब पर् पड़ होंगे कोई बर्ड अगर आपने कभी रखा हो ना तो आप देखते होंगे कि वह जब अपने पर् फड़ है ना तो वो छोटे छोटे फैदर्स गिर जाते हैं तो इतना ह्यूज फरिश्ता मोती और याकूत जिसके फरिश्ते परों से झड़ रहे हों तो जब वो पर फड़फड़ाएंगे तो आप अपने जहन में कोई बड़ा ह्यूज सा लिया ये जहाज़ आप देखिए कोई जहाज़ के करीब भी जाए तो कैसी वो एक हैबत सी आती है अच्छा जी इसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि मुख्तलिफ़ अम्बिया की उम्मतों को भी आप सल्ला वसलम ने देखा इबन अब्बास रजों से रिवायत है कि जब नबी करीम सलील वसम को आसमान की सैर करवाई गई तो आपका ऐसे नबी या नबियों नभी पर से गुजर हुआ कि इनके साथ एक कौम थी यानि सब अम्बिया अपनी अपनी उम्मतों के साथ आ रहे थे अपने अपने ग्रुप्स के साथ आ रहे थे फिर किसी नबी या नबियों से गुजरे तो इनके साथ एक जमात थी यानी पूरा ग्रूप ऑफ़ पीपल था फिर ऐसे नबी पर या अंबिया से भी गुजर हुआ कि जिनके साथ एक आदमी भी नहीं था अल्लाह अकबर की कोई एक भी उन पर ईमान नहीं लाया यहाँ तक के बड़े मजमे के पास से गुज़रे एक बहुत बड़ी जमात सामने आई तो आपने पूछा ये कौन है कहा गया मूसा सलाम और उनकी कौम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को बुलंद कीजिए और देखिए आपने फ़रमाया कि अचानक मैंने एक जम गफ़ीर को देखा या ह्यूज एक ह्यूज ग्रुप ऑफ़ पीपल थे और आप समझ लीजिए कि बड़ा बहुत बड़ा क्राउड था ग्रुप ऑफ़ पीपल नहीं क्राउड था जिसने आसमान के दोनों जानब को घेरा हुआ है और फिर कहा गया ये आप सल्हसम की उम्मत है और इनके अलावा सत्तर हज़ार आदमी और हैं जो बग़ैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाहुम्मा अल्लाम जालनाम हम अल्ला, जालना अल्ला हम सब को भी उन सत्तर हज़ार लोगों में शामिल करे जो जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें थीं जो अभी इस हदीस में में ज़िक्र नहीं की गई जो मैंने आपसे जिक्र कर ली अच्छा जी इसके बाद क्या होता है कि आप अलैहि वसल्लम को जब ऊपर ले जाया गया मेराज पर तो यहाँ पर हज़रत मूसा के पास जब आए आप अलैहि वसल्लम तो यहाँ पर उतर कर मूसा के पास जब आप आते हैं तो आ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले जाया जाता है अल्लाह के पास अब यहाँ उलमा का कुछ इख्तलाफ है कुछ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अल्ला सुभान को देखा था और बाज़ कहते हैं कि नहीं देखा था लेकिन ज़्यादा राजे राय यही है कि अल्लाह सुबह का दीदार या देखना आमने सामने नहीं हुआ था हाँ ने गुफ्तगू हुई थी अल्लाह से बात हुई थी लेकिन वो हिजाब के साथ थी अब यहाँ पर हुआ क्या कि हज़रत मूसा ने पूछा कि आपको क्या मिला है और हर दिन रात में जब आप सरमन ने जा मुलाकात की तो अल्लाह के रसूलसम कहते हैं फिर अल्लाह ताला ने मेरी तरफ़ वही की और हर दिन रात में पचास नमाजें फ़र्ज़ की मैं उतर कर मूसा सलाम के पास आया उन्होंने पूछा तेरे रब ने तेरी उम्मत पर क्या किया क्या कुछ फ़र्ज़ किया मैंने कहा पचास नमाजें हज़रत मूसा सल्लम ने कहा अपने रब के पास जाएँ कमी का सवाल करें आपकी उम्मत के अफराद इतनी ताकत नहीं रखते मैंने बनी इसराइल को आज़मा लिया यानी मैं उनका तजर्बा कर चुका हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया इस हदीस में यह भी आता है कि आपने अलैहि सलाम की तरफ़ देखा कि अच्छा अब क्या किया जाए तो हज़रत अलैहि सलाम की तरफ इसलिए देखा कि अब वापस चलें क्या हम जा सकते हैं वापस तो अलैहि सलाम को इस तरह देखा गोया मशवरा ले रहे हैं उन्होंने इशारा किया हाँ अगर आप चाहें तो चलिए इसके बाद हज़रत अलैहि सलाम आपको लेकर अल्लाह के हजूर गए अब वहाँ पर यहाँ पर हुआ यह कि नमाज़ें दस कम कर दी गई अब दस नमाजें जब कम कर दी तो चालीस हो गई तो वापस जब आप आते हैं तो पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस मैंने अपने परवरदिगार की तरफ मैं वापस चला गया और कहा मेरे रब मेरी उम्मत के लिए नमाज़ों वाले हुक्म में कमी कर दीजिए बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सहीहा की हदीस में पाँच नमाजें आती हैं कि पाँच नमाज़ें कम कर दीं फिर मैं मूसा की तरफ लौटा उनको बताया मुझसे पाँच काम कर दी गई हैं उन्होंने कहा आपकी उम्मत को इतनी भी ताकत नहीं होगी इसलिए अपने रब के पास जाइए उनसे मज़ीद कमी का सवाल कीजिए और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आते रहे और बार बार तखफीफ़ का सवाल करते रहे आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुबह तौफ़ी के साथ अल्लाह की इज़्न के साथ हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें देखिए हमें तो कोई किसी के लिए कुछ मांगना हो तो हम एक से ज़्यादा दफ़ा मांगते नहीं भाई मैं क्यों मांगूँ मैं क्यों छोटी पढ़ूँ मैं तुम्हारी बात क्यों करूँ आगे जा के आप बार बार जा रहे हैं यहाँ तक कि रफ्त जारी रही और यहाँ तक के अल्लाजल ने सिर्फ़ पाँच नमाज़ें बाकी रख दी इसके बाद मूसा सलाम ने आपको फिर वापसी का मशवरा दिया तलब का और तखफीफ का मशवरा दिया मगर आप वसल्लम ने फ़रमाया अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है मैं इसी पर राज़ी हूँ मैं इसी पर थे तस्लीम खाम करता करता हूँ फिर जब आपल वस मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले गए तो एक निदा आई कि मैंने अपना फरीज़ा नाफिज कर दिया मैंने अपने बंदों से तखफीफ़ कर दी कमी कर दी इसके बाद अबिनकैम ने इसके बारे में कुछ इख्तिलाफ़ का जिक्र किया है कि नबी करीम सल्ला वसलम ने जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह को देखा या नहीं देखा तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता और फिर वही जो निदा आई उसमें यह भी हदीस में आता है कि जो पचास हैं वो जो पांच नमाज़ें हैं जो फ़र्ज हुई वो पचास के बराबर हैं तो ये जो चीज़ है ये इस कदर खूबसूरत ये वाक्य है और इसमें आप देखिए कितना कुछ सीखने के लिए है हमारे लिए और आज ये पाँच नमाजें ही हमारे लिए इस कदर बोझल है तो कहाँ ये कि हज़रत ये तो हज़रत मूसा का भी एहसान है उम्मत के ऊपर कि उन्होंने आके बार बार कह के कि नहीं आप जाइए और काम करवाइए आप जाइए और काम करवाइए वरना आपकी उम्मत ये नहीं कर सकेगी और ये जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरे नज़दीक बात बदली नहीं जाती तो ये पचास जो हैं ये पाँच जो हैं ये पचास के बराबर हैं इसमें हज़रत मूसा का बड़ा खूबसूरत एक किरदार सामने आता है कि वो भी फिक्रमंद हो रहे हैं आप देखिए अम्बिया की जो जात है मैं जब आज इस लेक्चर को तैयार कर रही थी मैं सोच रही थी कितनी बेलॉस उनकी ज़ात है हमें अगर किसी अपने भाई के बच्चे या बहन के बच्चे के बारे में बोलना पड़े कि वो कोई दुरुस्त कंपनी में नहीं है या उसके कोई एट्ट्यूड ठीक नहीं है हम कहते मुझे क्या ज़रूरत है मैं बोलूँगी तो कल को मेरे पीछे पड़ जाएँगे मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा इधर हज़रत मूसा साम अपनी उम्मत से परेशान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम के लिए फ़िक्रमंद क्या मोहब्बत है क्या साफ़ दिल है क्या खलूस है अल्लाह सुबहन तला हमें भी अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ऐसा ही गम ऐसा ही खलूस अता फ़रमाएँ फिर उसके बाद अलैहि वसल्लम वापस आ जाते हैं लेकिन इस दौरान वाक मराज में और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अभी हमने कवर नहीं किया हम उनको भी देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दफ़ा भी सीना चाक किया गया आपको इस सफ़र के दौरान कई चीज़ें दिखलाई गई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसको देखिए कि नमाज की इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है इस सफ़र मराज में ये भी तीन चीज़ों का हुक्म दिया गया इस सफ़र मराज में, में। नंबर वन नमाज का नंबर टू सुरल बकरा की आखिरी दो आयात अरश के ख़जाने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो शख्स इस हालत में दुनिया से जाएगा कि उसने शिरक ना किया हो तो अल्लाह सुबह उसको बख्शेगा तो देखिए कि ये वो चीज़ें हैं नमाज ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको फ़र्ज़ करने के लिए रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई गई आसमानों पर बुलाया गया इसी तरह बकरा की आखिरी दो आयत यानी ये इतनी प्रेशियस और इतनी कीमती चीज़ है नमाज और ये आयत और शिरक ना करना कि इनके लिए फरिश्ता नहीं भेजा गया नीचे इनके लिए बंदे से कहाब आप ऊपर आएँ और आए और बाय हैंड लेके जाएं इसको ये बिल्कुल उसी तरह है कोई बहुत कीमती चीज़ जब हम देते हैं तो हम ड्राइवर को नहीं देते कि ड्राइवर जाके पकड़ा के आए जब बहुत कोई माल है या कोई ऐसा जेवर है बहुत कोई कीमती चीज़ है हम खुद जाते हैं ड्रॉप करने हम खुद जाते हैं पिक करने क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉटेंट है और फिर ये भी याद रखिए कि मौत के बाद सबसे पहला सवाल नमाज का है अगर आज हम या हमारे बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ रहे और उनकी नमाज ना पढ़ने पे हमारा दिल नहीं रोता हमारा दिल धाड़े मार मार के नहीं रोता हमारा दिल हमारे बच्चों की आखरत के लिए परेशान नहीं होता तो याद रखिए हमें अपनी इसलाह की ज़रूरत है अगर हमारा बच्चा आज नमाज नहीं पढ़ रहा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे सोचिए कि क्या कभी मैं अपने बच्चे को सज़ा और दुनिया में तकलीफ़ में देख सकती हूँ नहीं लेकिन अगर मेरा बच्चा एक नमाज़ ना पढ़ने की वजह से आखिरत में किसी वबाल का शिकार हो जाए तो मैं क्या करूँगी क्या कभी हमें यह सोच आती है मैंने बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं जो अपनी नमाजों की फ़िक्र भी करती हैं पाँचों नमाज़ें अदा भी करती हैं और बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो उनको परवाह भी नहीं है एक आध मरतबा कहती हैं और छोड़ देती हैं कभी सोचिए है कि बच्चे अगर दुनियावी तालीम ना पढ़ रहे हों तो क्या हम परवाह नहीं करते क्या हम उनको छोड़ देते हैं जब हम दुनियावी तालीम के लिए इतने फ़िक्रमंद हैं कि कल कोई अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से बनाएंगे कहाँ से तो आज अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो कल फिर उनका मकाम क्या होगा तो हमें अपनी नमाजों के साथ साथ अपने शौहरों की नमाज़ अपनी औलाद की नमाज़ अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों की नमाज़ सबकी नमाज़ की, नमाज की फिक्र करनी है फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पर आपको दूध और शराब पेश किए गए आपने दूध को इख्तियार फरमाया इस पर आप सरसन से कहा गया कि आपको फितरत का रास्ता बताया गया या आपने फितरत पा ली अगर आपने शराब ली होती तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती फिर अदीस में यह भी आता है सिलसिला सुल सिया में भी आता है कि जन्नत में आपने चार नहरें देखी दो ज़ाहरी और दो बातनी ज़ाहरी नहरें यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि नील और फरात थी यानी इसमें यह भी एक लिया जाता है बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसका मतलब ालिबा ये भी रहीकुलमखतूम में आता है कि आप सल्लम की रसालत नील और फ़रात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी यानी नील और फ़रात के मिस्र और इस एरिया के लोग भी मुसलमान हो जाएंगे और यहाँ इसमें यह भी आता है कि उनका जो पानी है वो निकल कहाँ से रहा है जन्नत से यानी नील और फ़रात का फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के दारोगा मालिक को भी देखा जो हंसता ना था और ना इसके चेहरे पर को कोई ख़ुशी कोई बशासत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम भी दिखाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्म के साथ खा जाते हैं यानी माल यतीमों का होता है लेकिन वो हड़प कर जाते हैं या वरासत में हिस्सा नहीं देते जो भी किसी भी सूरत में आप देख लीजिए इन उसके बारे में आता है कि उनके होंठ ऊँटों के होंठ की तरह थे वो अपने मुंह पर पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठोंस रहे थे और जो दूसरी रस्ते में उनकी जो पखाने की जगह है उस रस्ते से निकल रहा था तखफ़िरल्ला फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि आपने सूद खोरों को वहाँ देखा उनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हो सकते थे क्यों क्योंकि इन पेटों को भरने के लिए तो सूद की राह अपनाई थी और फिर आले फ़िरौन को जब आग पे पेश करने के लिए ले ले जाया जाता तो जब वो इनके पास से गुजरते तो इनको रोनते हुए जाते थे फिर इसी तरह ज़िनाकारों को देखा इनके सामने ताज़ा गोश्त पड़ा होता था और साथ ही छिछड़े गले सड़े तो ये ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़े हुए छिछड़े खा रहे थे और फिर इसके अलावा हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब रसूल सल वसम ने फरमाया कि जब मुझे मराज कराई गई तो मैं एक कौम पर से गुज़रा उनके नाखुन तांबे के थे और इन नाखुनों से वो अपने चेहरे और सीने को छील रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं ए हैंजब्राइल उन्होंने फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं और इनकी इज़्ज़तों से खेलते हैं ये दो बातें याद रखिए एक तो ये गीबत ठीक है दूसरी बात ये किबत की सज़ा यहाँ बताई गई और छीलने की बात आप देखिए छीलता जब इंसान है तो वो किस पो, आ, किस आ, अजियत से गुजरता है कभी आपका कोई छोटा सा जिसम का हिस्सा भी छील जाता है ना तो उसकी एक अजियत और जलन और तकलीफ़ अपनी होती है कहाँ ये कि तांबे के नाखनों के साथ चेहरे और सीने को वो लोग छील रहे होंगे और इज़्ज़तों से खेलना दूसरों की उसमें इज़्ज़तों से खेलने में क्या आता है कि मजमों में बैठ के आप दूसरे को जो वो है नहीं वो वो बयान करें या अगर उसकी कोई बुराई या कमी आपने देखी तो उसको हर जगह नशर करें और हर जगह नशर करने के बाद दूसरों को भी उस पर प्रवोक करें देखिए कई दफ़ा ऐसे ज़िंदगी में हालात आ जाते हैं कि इंसान अपना गम अपनी तकलीफ़ अपनी अजियत दूसरों से शेयर कर लेता है लेकिन अगर उस शेयर करने के बाद रिज़ल्ट में और नफ़रत आ रही है और आप अब ठान लेते हैं कि मैं दूसरे को तो अब छोडूंगा नहीं मैं ज़बान से भी उसको जलील करूंगा, मैं उसको अपने एक्शनस के साथ भी बताऊँगा मैं उसको हर तरह से डिग्रेड करूँगा तो इसका तो फिर जवाब देना होगा क्योंकि बाज़ अवत कभी हम उम्र में बड़े होकर कभी रुतबे रुतबे में बड़े होकर कभी जाहो जलाल या कभी अपनी किसी भी चीज़ को हम बड़ा समझ के दूसरे की इज़्ज़त को अपने लिए हलाल समझ लेते हैं चार लोगों में बैठ के एक जुमला बस एक जुमला ही वो होता है वो दूसरे को तकलीफ़ देकर अजियत देने के लिए काफ़ी होता है तो इससे बचने की ज़रूरत है फिर इसके बाद आप देखिए हजरत अनस से ही मरवी है कि इसरा वाली रात मैंने ऐसे लोगों के पास से मैं गुजरा जिनके मुंह आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे अस्तफिरल्ला आग की कैंची और उनके मुंह काटे जा रहे थे मैंने पूछा ये कौन लोग हैं बताया गया ये दुनिया के खुतबाँ हैं दुनिया के खतीब जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे अल्लाह अकबर और किताब अल्लाह की तिलावत करते थे क्या ये समझते ना थे ये भी बहुत डराने वाली बात है कि जब हम किसी को कोई वाज व नसीहत करें और उसके ऊपर अगर हम ख़ुद अमल नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा कसरत है तो कसरत से ज़रूरत है तोबा इस्तग़फ़ार करने की क्योंकि इधर हम कोई चीज़ बताते हैं उधर हम उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं इधर हम कुछ और बताते हैं उधर से हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई अमल करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख़्स के लिए खुशखबरी की वही की खुशखबरी सुनाई ना कि जिसके नाम अमाल में कसरत से इसगफफार हो तो हमें बहुत ज़्यादा कसरत से इसगफ़ार करने की ज़रूरत है क्योंकि हम जब भी बैठते हैं क्योंकि है ये जो ज़बानें हैं ने हमारे काबू में नहीं हैं और ये ज़बान ही इंसान को उठाती भी है और गिराती भी है फिर मराज के मौके पर आ, मिलने वाले तोहफे और ये जो पिछली भी हमने हदीस पढ़ी इसमें बिल्कुल वो लोग बैन शामिल हैं जो लोगों को जो करने का हुक्म दें और फिर खुद उनका अमल उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो फिर मराज के मौके पर कुछ तोहफे भी दिए गए अब्दुल्ला रज़ी तै फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतहा तक ले जाया गया जो छठे आसमान पर वाक़ है और फिर जैसे मैंने आपको बताया वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ें अता की गई नंबर एक नमाज नंबर दो सुरल बकरा की आखिरी आयतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हर ऐसे शख्स को बख्श दिया गया जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे और तबाह होने वाले गुनाहों से बचा रहे फिर फरिश्तों का सींगी लगवाने का वसीयत करना यह सींगी जानते हैं क्या है जिसको आप हिजामा कहते हैं कपिंग यानी इसरा वाली रात फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी मैं गुजरा रसूल वसम कहते हैं उसने यही कहा ए महम्मद सल्हसम अपनी उम्मत को सींगी लगाने का अहतमाम ज़रूर कीजिए उसमें यानी कपिंग थेरेपी जो है झेजामा जिसको कहते हैं वो ज़रूर करवाएँ और उसकी बेहतरीन जो डेट्स हैं चाँद की सत्रह उन्नीस और इक्कीस तारीख है फिर यही आता है कि फिर उम्मत ने उम्मत को पछने लगाने का हुक्म और एक और पैगाम और सलाम आप देखिए इब्राहीम सलाम ने फिर उम्मत के लिए सलाम भेजा अब हम भी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं ना तो हजरत इब्राहीम का सलाम उम्मत के लिए आया और एक मैसेज भी आया मेरे और आपके लिए जिस रात मुझे माराज करवाई गई रसूल वसल्लम फरमाते हैं मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम साम से हुई उन्होंने कहा ए मोहम्मद वसल्लम अपनी उम्मत को मेरी तरफ़ से सलाम पेश करना और इन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा और उमदा है उसका पानी मीठा है और वो एक चटियल मैदान है यानी बिल्कुल एक फ्लैट ज़मीन है और सुबह अल्लाद अकबर कहना वहाँ दरख्त लगाना है तो ये तो हो गया वाक़ आप वाले वाले का मिराज पर जाने का अब होता क्या है कि आप सलील वसम वापस मक्ा तशरीफ़ लाते हैं उसी रात जब सुबह हुई आपने अपनी कौम को इन बड़ी निशानियों की ख़बर दी जो अल्लाह अजा वजल ने आपको दिखाई थी तो कौम की सब हिल गए यकीन रखिए सॉरी याद रखिए कि कुछ ईमान वालों के ईमान भी डोल गए क्योंकि आज के दौर में तो फिर आप किसी तरह समझ लें आज के दौर में भी पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन आज के दौर में भी आप कुछ घंटों की कुछ आवर्स की फ़्लाइट लेते हैं तो आप फ़लस्तीन पहुंच जाएं आप सऊदीया पहुंच जाएं क्या फ़्लाइट का टाइम आवर्स होंगे पाँच से छः घंटे लेकिन उस दौर में तो ये चीज़ सोची भी नहीं जा सकती थी इमेजिनेशन के बियॉन्ड था कि एक न, एक शख्स आके कहे कि मैं कल रात को और वो शख्स नबी हो और वो कहे कि मैं रात को आप सल वसल् ने फरमाया बैतुलमकदस की अबू जहल ने कहा फिर आप सुबह अपने वक्त हमारे पास पहुंच भी गए आप वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू जहल ने इस वजह से आप आपलम की उस वक्त तकसीब नहीं की उस वक्त तकजीब नहीं कि कहीं कहीं कही ऐसा ना हो कि वो जब लोग जमा हों तो आप बात का इनकार कर दें इसलिए अबू जहल ने कहा अगर मैं आपकी कौम को बुलाऊं तो क्या ये बात आप उनको बताएंगे आपने फ़रमाया हाँ अबू जहल ने आवाज़ दी ओ बनु काब बिन लुई आ जाओ ये आवाज़ सुनते ही लोग पहुंच गए और आपके पास आकर बैठ गए अबू जहल ने आपसे कहा जो बात आपने मुझे कही इनको सुनाइए आपने फरमाया आज मुझे से, रात सैर करवाई गई लोगों ने पूछा कहाँ का सफ़र किया आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुलमकतस का लोगों ने कहा फिर आप सुबह के वक्त यहाँ पहुँच भी गए वापस आ गए आपने फरमाया हाँ ये सुनकर कोई तालियाँ बजाने लगा किसी ने इस पर झूठ का पर ताजुब करते हुए सर पर हाथ रख लिया और बाज़ लोगों ने इस शहर का सफ़र किया हुआ था मस्जिद अक्सा देखी हुई थी इसलिए उन्होंने कहा आप हमारे लिए मस्जिद अक्सा के औसाफ बयान कर सकते हैं यानी आप हमें बता सकते हैं वो कैसी थी रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने फरमाते हैं कि मैंने औसाफ बयान शुरू किए मैं वजाहत करता गया लेकिन बाज़ अलामतें मुझ पर मिक्स हो गई यानी क्लियर नहीं थी इसलिए मस्जिद अक्सा को लाया गया अल्लाह सुबह ने मस्जिद अक्सा को आप के सामने रख दिया अकाल या अकील के घर के सामने रख दिया मैं इसे देख कर और साफ बयान करने लगा फिर भी कुछ निशानियाँ मुझे याद नहीं थी। लोगों ने कहा जहाँ तक आ, अलामतों का मसला है वो तो अल्लाह की कसम आपने सही अदा की हैं अब लोग हैरान भी थे इस बात पर अब लोग भागम भाग रसूल हज़रत अबू बकर के पास पहुँचे और अबू बकर के पास दौड़ते हुए आए और इन्हें ख़बर दी उन्होंने कहा यह बात किसने कही है कहा कि रसूल वसल्लम ने कही है तो कहने लगे अगर ये बात आप ने कही है तो सच कही है और इसी से और आप हज़रत अबू बकर का जो लकब है वो सिद्दीक पड़ गया क्योंकि इन्होंने कोई चुन बिला चुनो चरा उसको फौरन कन्फर्म किया कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं उन्होंने कहा मैं तो इस, इस मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूं कि आसमान से सुबह या शाम जो खबर आती है मैं मैं इसमें भी आपको सच मानता हूं इस पर आपका लकब सिद्दीक पड़ गया फिर कुफार ने उठकर आपका इम्तिहान लिया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है फिर उन्होंने अपने एक काफ़िले के मुतल क्वेश्चन किया जो मुल्क शाम से आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले के ऊँटों की तादाद काफ़िले के अहवाल इसके पहुँचने का वक्त और जो ऊँट इवन आगे आगे चल रहा है उस सब की ख़बर दी और जैसे आपने बताया बिल्कुल वैसे ही हुआ लेकिन इन जालिमों ने फिर भी कुफर पर ही इसरार किया और इसराह की सुबह हज़रत जुब्राई वसम तशरीफ़ लाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँचों नमाज़ों की कैफ़ीत उनके औकात सिखाए इससे पहले नमाज सिर्फ़ दो रकत सुबह और दो रकत शाम में थी तो ये था वाक्य मराज इसरा मराज इसमें हमारे लिए बहुत सी सीखने की बातें हैं लेकिन एक बात जो सीखने की है वो क्या वो ये कि इंसान अपने ईमान पर जमा रहे अपने अकीदे को दुरुस्त रखे और अल्लाह सुबहन तला के साथ शिरक से परहेज़ करे क्योंकि शिरक जो है वो अज़ीम है और जो इंसान शर्क के अलावा यानी बिल्कुल तोहिद पर मरेगा अल्लाह सुबहन ताली उसको आ, بخش دیں گے انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحمت کریں گے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل سل وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته